अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बीएस किचन में आज बनने जा रहा है बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ हलवाइयों जैसा गाजर का हलवा, जिसको आप इजी रेसिपी के साथ घर में बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो गाजरें ले ली थी और उसको पील ऑफ करके कद्दूकश कर लिया है। 1/2 कप चीनी ले रही हूँ मैं, ग्राम में ये 120 ग्राम है, बिल्कुल परफेक्ट मीठा है ये। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। 1/4 कप के जितना मैंने घी लिया है, ग्राम में ये 50 ग्राम है। और 1 कप खोया लिया है, खोया आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3/4 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पर इलायची का पाउडर। मिल्क मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर 3 ग्लास, तो तकरीबन ये 3 पाव के जितना दूध होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है, ये पहले से बॉईल था, सिर्फ हमने गर्म करना है, इसको खौलाना है। देखिए मिल्क जो है वो तेज़ गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम गाजरें शामिल कर देंगे सारी। बाज़ लोग इसे जो बॉईल करते हैं वो पानी में भी करते हैं, लेकिन आप अगर मिल्क में इसको बॉईल करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम चीनी शामिल कर देंगे। चीनी की क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा होगा। 120 ग्राम मैंने ली है चीनी। अब इसको मिक्स कर लेंगे। चीनी जो है मैं इसके साथ ही शामिल कर रही हूँ दूध के, ताकि दोनों चीज़ें एक साथ ही खुश्क हो जाएं, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ेगी, तो इसलिए ये बहुत ईजी वे होगा इसको बनाने का। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा हुआ है, मिल्क को हमें बिल्कुल खुश्क करना है, तो मीडियम फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे। और तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद आप इसके अंदर स्पून चलाइएगा, मुसलसल आपने इसके अंदर स्पून नहीं चलाना है। देखिए गाजरें जो है वो दूध में पक रही हैं, इस तरह से आपने इसके अंदर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो स्पून चलाना है। देखिए साइडों से हम इसको रिमूव भी करते जाएंगे। देखें दूध की क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है। और अब इसी तरह से हमने मिल्क को ड्राई करना है। देखें स्पून की मदद से इस तरह से हम करेंगे, अभी भी इसके अंदर मिल्क हमें नज़र आ रहा है, बिल्कुल हमें ड्राई करना है। स्लो फ्लेम पे हमने इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना है, इससे क्या होगा इसका कलर जो है वो डार्क की तरफ चला जाएगा। अब इसका कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें हमने कोई कलर्स वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है। देखिए अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मिल्क जो है बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, अच्छे से आपने चेक करना है। और अब इस स्टेज पर हमने इसके अंदर शामिल करना है घी, थोड़ा घी शामिल करेंगे पहले, और इसके बाद इसका फ्लेम हम कर देंगे मीडियम टू हाई। मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से हम इसको भूनेंगे, लगातार आपने इसके अंदर स्पून चलाना है। स्पून अगर आप रोकेंगे इसके अंदर तो नीचे से ये लग भी सकता है। अब ये मेन पॉइंट है इसका भुनाई करने का। देखें अब जो बाकी का घी था वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। देखें 2 हिस्सों में मैंने घी को शामिल किया है और इसको वापस से भूनूंगी मैं। देखें तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनना है। इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ इलायची का पाउडर और अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए 5 से 6 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है, आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आया है, ना डार्क हुआ है ना ये लाइट है। और अब इसका फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसको हल्का सा हम ठंडा होने देंगे, इसकी हीट निकलने देंगे, उसके बाद हम इसके अंदर खोया शामिल करेंगे। तो देखिए हल्की सी इसकी हीट जो है वो निकल चुकी है, अब इसके अंदर हम खोया शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1/2 खोया इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, 1/2 कप के जितना, और इसको मिक्स कर लेंगे।
देखिए अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अब इसके अंदर आप अपनी मर्जी से ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बारीक कटे हुए बादाम पिस्ते इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, बाकी मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। आपकी मर्जी है, आप अंदर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये गार्निशिंग के तौर पर ऊपर से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। ऊपर से आपने खोया ऐड करना है, बादाम पिस्ते ऐड करने हैं, या आप अपनी मर्जी से कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। हलवाइयों से भी कई गुना बेहतर ये हलवा हम घर में तैयार कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी से ज़रूर इस हलवे को ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपके घर में ये सबको कैसा लगा है। उम्मीद करती हूँ आज की इजी सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर इसी तरह से एक और नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।